नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रोहित बत्रा डर्मोवल स्किन एंड हेयर क्लिनिक्स के माध्यम से आज आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप अपनी दाद दिनाई का इलाज कर सकते हैं और किस तरीके से आप उसका बचा सकते हैं अपने आप कोई ऐसी बीमारी ना हो। तो दाद क्या है, जो हम कहते हैं कि जी फंगल इन्फेक्शन हो गया, दाद हो गई, दिनाई हो गई, तो देखिए किस किस भाग के अंदर आपके शरीर के ऊपर ये हो सकता है। आपके कांच में हो सकता है, आपके जीन्स या पैंट के अंदर हो सकता है, और आजकल तो देखा गया है कि सारे शरीर में ये कहीं भी हो सकता है। तो यदि आप बहुत ज़्यादा गर्मी पसीने में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं, तो ऐसा कि आपको दाद दिनाई, रिंगवर्म या जॉ कीच हो जाए, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो घर जब आएँ अच्छी तरीके से नहाएं और अपने आप को अच्छी तरीके से ड्राई भी करें, सुखाएं भी सही, और ऐसे कपड़े जो कि गीले हो गए हैं उसको अच्छी तरीके से धुलवाएं, वो अच्छी गर्मी में धूप में सूख जाए, उसके बाद ही उसका दोबारा उपयोग करें। यदि आपको दाद हो गया है तो आप देखेंगे कि आपको ये रिंग रिंग से बन जाते हैं। अब ये रिंग बताते हैं कि आप दाद से जूझ रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपको अपने घर के आसपास की फार्मेसी से जाके एक क्रीम लेकर खुद लगाना शुरू नहीं करना, बल्कि एक अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, जो देखेगा कि आपका दाद के जो रिंग्स हैं वो शरीर के ऊपर कहाँ कहाँ हैं, कितने ज़्यादा हैं, और आपको किस तरीके की दवाई चाहिए। ऐसा देखा गया है कि पहले जो कि हम इलाज करते थे तो 2 हफ्ते के इलाज के अंदर ये बीमारी ठीक हो जाती थी, बट आजकल क्योंकि जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो अपने आप कई क्रीम्स लगा चुके होते हैं, तो उनकी बीमारी इतनी बढ़ गई होती है कि वो ठीक नहीं हो पा रही है 6 से 8 हफ्ते दवाई देने के बाद भी, और हमें हायर एंटी फंगल्स, हायर मेडिसिन के ऊपर जाना पड़ रहा है। तो यदि आप दाद या दिनाई से जूझ रहे हैं तो एक स्किन स्पेशलिस्ट, जो आपके घर के पास अच्छा स्किन स्पेशलिस्ट है, उसके पास जाएं, वो आपको बताएगा कि किस तरीके की दवाई करनी है, कितने ड्यूरेशन की दवाई करनी है, कौन से खाने की दवाई है एंटीफंगल लेनी है, और कौन से लगाने की एंटीफंगल क्रीम लेनी है, और आपको इस रोग से निदान दिलाएगा। तो यदि आप दाद से जूझ रहे हैं तो उसका सेल्फ मेडिकेशन, खुद से सुनी सुनाई बातों से इलाज ना करें, कोई तेल कोई पाउडर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने स्किन स्पेशलिस्ट से मिलें। धन्यवाद।